हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सिलेक्शन टिप्स। आप लोग इस समय फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो जाहिर सी बात है आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो आप बहुत सारे कन्फ्यूजन में होंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए, कहाँ से बनाया जाए, किससे बात किया जाए, क्या टॉपिक लिया जाए। तो इन सब के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं पॉइंट वाइज कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, डाइव इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आप पहले जाके ढूंढिए कि आपको कौन सा सबसे अच्छा ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता है, आप किस एरिया में अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, पैनल बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपको PCB बनाना अच्छा लगता है या सॉफ्टवेयर पर अच्छा काम अच्छा लगता है। इस तरह से आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जाइए, देखिए कि कौन सा आपको सबसे अच्छा एरिया लगता है जो आपके लिए आसान पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि फाइंड ट्रेंडिंग एरियाज़। आपका जो वर्ड है, जो ये आपकी ट्रेंडिंग एरियाज़ हैं, मीन्स इस समय जो करंट सिनेरियो है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, इसमें आप उस पर रिसर्च करिए, ठीक है। देखिए कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उस वो एरियाज़ को आप सेलेक्ट करने की कोशिश करिए और उस पर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चूज़ योर गाइड केयरफुली। इसका ये मतलब है कि जो आपके कॉलेज में आपके जो गाइड हैं, जो आपके टीचर हैं, मेंटर हैं, उसको उनको आप सेलेक्ट करिए, ऐसे टीचर या गाइड सेलेक्ट करिए जो आपकी हेल्प कर सकें, आपकी जो प्रोजेक्ट बनाने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें वो गाइड कर सकें। प्रोजेक्ट बनाते समय आपको कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, कैसे हार्डवेयर आपका उसको बनाना है, ये सब गाइड कर सके। तो ऐसे टीचर को सेलेक्ट कीजिए जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चूज़ योर टीम मेंबर्स केयरफुली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो प्रोजेक्ट होता है एक टीम मेंबर के हेल्प से बनता है, ग्रुप में बनता है जिसमें 3 या 4 या 5 या उससे ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। तो आप ऐसे ऐसे मेंबर्स उसमें सेलेक्ट करके ग्रुप बनाइए जो प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकें। ऐसे मेंबर्स ना सेलेक्ट करिए जो ग्रुप में तो आ गए लेकिन उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। लाइक आप एक ऐसा बंदा सेलेक्ट करिए जो इंग्लिश अच्छा बोल सकता हो या प्रेजेंटेशन अच्छा दे सकता हो। ऐसा बंदा सेलेक्ट करिए जिसका जो मार्केट में जो रिसर्च है वो अच्छी हो, अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं कहाँ मिलते हैं उसको सब आइडिया हो। ऐसे प्रोडक्ट जिस पर सॉफ्टवेयर पर कमांड हो, ऐसे मेंबर्स जिनके सॉफ्टवेयर पर कमांड हो, आप वो मेंबर्स इस तरह से एक एक करके पॉइंट्स करके आप अपने टीम मेंबर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डू रेगुलर मीटिंग विद योर गाइड। मतलब अगर आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है तो और अपना गाइड सेलेक्ट कर लिया है तो अपने जो गाइड हैं उनसे रेगुलर आप जाके मिलते रहिए, चाहे 2 दिन पर, 3 दिन पर, 1 हफ्ते पर, लेकिन उनसे ज़रूर जाकर मिलते रहिए। इससे ये होगा कि आपको फीडबैक मिलता रहेगा कि आप कहाँ पर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट डाउन आइडियाज़ फ्रॉम रिसर्च पेपर्स और फ्रॉम इंटरनेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई टॉपिक ढूंढना है तो आपको जो रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं उनको पढ़िए, और या इंटरनेट पर आप सर्च करिए कि प्रोजेक्ट कैसे बनाए जा सकते हैं, किस किस टॉपिक पर बनाए जा सकते हैं, और जो बढ़िया टॉपिक्स हैं उनको नोट कर लीजिए, और 4-5 टॉपिक ऐसे नोट करिए, उनके बारे में एब्स्ट्रैक्ट बनाइए और अपने गाइड से मिलिए, उनको बताइए कि ये टॉपिक्स हैं आप किस पर बना सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको गाइड कर सकेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रेज योर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ योर गाइड। आपको प्रोजेक्ट बनाते समय जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपने गाइड के सामने रखिए कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, ये प्रोग्रामिंग कैसे होगी, या ये हार्डवेयर कहाँ मिलेगा, जो भी दिक्कत आ रही है अपने गाइड के सामने ज़रूर प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, योर प्रोजेक्ट शुड
हैव एप्लीकेशन इन रियल वर्ल्ड। मीन्स अगर आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो एक तरीके का वेस्ट हो, मीन्स आपने बना तो लिया लेकिन उसका कोई भी रियल एप्लीकेशन नहीं है। आपका जो भी प्रोटोटाइप है वो ऐसा होना चाहिए जो अगर उसको रियल में असेंबल किया जाए तो जो पब्लिक है, जो रियल वर्ल्ड है, वहाँ पर वो यूज़फुल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज गिव टाइम टू योर प्रोजेक्ट। मीन्स अगर आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सबमिशन के एक महीने पहले अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको एटलीस्ट कम से कम 6 महीने आपको अपने प्रोजेक्ट को देना चाहिए। इससे ये होगा कि आप अपना प्रोजेक्ट खुद बना सकेंगे और अपने प्रोजेक्ट की बारीकियां खुद जान सकेंगे। आपसे जो एग्ज़ामिनर होगा कोई पूछेगा सवाल तो आप तुरंत उसका जवाब दे सकेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट 6 महीने आप अपने प्रोजेक्ट को ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इज द मॉडल प्रेजेंटेशन। जो आप मॉडल बनाएंगे दैट मस्ट बी इंटरैक्टिव और प्रेजेंटेबल और शुड लुक गुड। मीन्स कि जो आप मॉडल बना रहे हैं, जो आप अपना प्रोटोटाइप बना रहे हैं, वो इंटरैक्टिव होना चाहिए। मीन्स आप ने कोई इनपुट दिया तो प्रॉपर उसका आउटपुट आता हुआ दिखाई दे, या प्रेजेंटेबल होना चाहिए, देखने में ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप छोटा सा कोई प्रोजेक्ट जो हाथ में लेके चले गए और दिखा दिया, ऐसा नहीं। ऐसा बनाइए कि हाँ देखने में लगे कि हाँ कुछ बनाया है आपने। ठीक है, और इंटरैक्टिव होना चाहिए। आपने पता कोई मैकेनिकल मैकेनिज्म अप्लाई किया, मान लीजिए कोई बटन पुश किया तो उससे कोई मैकेनिज्म हो रहा है, चलते हुए दिख रहा है, तो इस तरह का इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट या मॉडल होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स, फ्यू गाइडलाइंस जिसकी हेल्प से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और थैंक यू।